हेलो दोस्तों, स्वागत किया जाता है एक और नए धमाकेदार वीडियो में। अभी वक्त है, बचा लो अपने आप को, इसी आपको आखिरी मौका दे रहा है। अगर आप गलती से भी यहाँ रह गए तो आपका वो बुरा हाल होगा जो आपने अभी तक सोचा नहीं होगा। परमेश्वर का वचन कहता है, ऐसा भारी क्लेश के दिन होंगे कलीसिया उठा लेने के बाद मसीह विरोधी के दिन में, जैसे मत्ती 24 का 21 वचन में लिखा हुआ है। क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा। रैप्चर हो जाने के बाद मसीह विरोधी के दिन में क्या हाल होगा? उस समय मनुष्य जो है मनुष्य यहाँ पर रह जाएंगे, कुछ ना कुछ पाप करके यहाँ रह जाएंगे, तो उसका बहुत बुरा हाल होगा। मसीह विरोधी बहुत तड़पाएगा। मसीह विरोधी के दिन में एक दूसरे का गला काटना गाड़ना शुरू कर देंगे, जैसे मत्ती 10 अध्याय के 21 वचन में लिखा हुआ है। भाई भाई को और पिता पुत्र को घात के लिए सौंपेंगे और माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। उस समय आपस में ही एक दूसरे को काटना शुरू कर देंगे, भाई भाई को मारेंगे, पिता पुत्र को मारेगा, लड़के वाले माता पिता को मरवा डालेंगे। इतना हाहाकार मचा होगा उस समय, बहुत तड़पाया जाएगा मसीह विरोधी के दिन में। हर घर में रोना बिलखना चिल्लाना होगा, हर घर में हर जगह लाशें ही लाशें पड़ी रहेंगी, खाद की तरह पड़ी रहेंगी, और उनको कोई मिट्टी नहीं देगा, वे कब्रों में नहीं रखी जाएंगी, ऐसे ही पड़ी रहेंगी मसीह विरोधी के दिन में। ऐसा ही हाल होगा जैसा यहेजकेल 7 का 15 वचन में लिखा हुआ है। बाहर तलवार है और भीतर महंगी है मरी है, जो मैदान में है वह तलवार से मरेगा, और जो नगर में हो वह भूख और मरी से मारा जाएगा। अगर उस समय घर से बाहर सामान लेने को निकलोगे तो बाहर तलवार से मारे जाओगे। अगर उस समय घर में घुसे रहोगे भूख से मर जाओगे, जैसे पहला तिस्सलुनीकियों 5 अध्याय के 4, 5 और 6 वचन में लिखा हुआ है। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो। पौलुस कह रहा है कलीसिया से कि तुम अंधकार के नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान ना पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान हो। हम न रात के हैं और न अंधकार के हैं, इसलिए हम औरों की ना ही सोते ना रहें, अन्य जातियों के समान सोते ना रहें, पर जागते और सावधान रहें। आपको तो पता ही है कि सच्चा परमेश्वर कौन है, इसलिए अभी पश्चाताप कर लो, वरना अगर यहाँ पर रह गए तो आपका बहुत बुरा हाल होगा। 7 साल का महाभारी क्लेश काल होगा, 3.5 साल क्लेश काल के और 3.5 साल महाक्लेश काल के। जब परमेश्वर दूसरी मोहर खोलेगा तब इस धरती पर तलवार चलना शुरू हो जाएगी, जैसे प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय के 3 और 4 वचन में लिखा हुआ है। और जब उसने दूसरी मोहर खोली, यीशु मसीह ने खोली, तो मैंने यानी यूहन्ना ने दूसरे प्राणी को यह कहते सुना कि आ, और फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था, खतरा डेंजर। प्राणी कौन है? पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, 24 प्राचीन लाखों स्वर्गदूत। ये है परमेश्वर का मंदिर जो इस समय स्वर्ग में विराजमान है। लाल रंग का जो घोड़ा है उसको यह अधिकार दिया जाएगा कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे का वध करें। और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। कलीसिया उठा लेने के बाद मसीह विरोधी का राज्य शुरू हो जाएगा। वह मसीह विरोधी शांति करके बैठाएगा, यानी झूठी दिलासा देगा। जब परमेश्वर दूसरी मोहर खोलेगा तो एक दूसरे की शांति, तब परमेश्वर खुद एक दूसरे की शांति निकाल देगा। तब एक दूसरे को लोग मारना गाड़ना शुरू कर देंगे, वध करना शुरू कर देंगे। दूसरी मोहर खुलते ही यह सब होगा, दुनिया भर की मुसीबतें टूटना शुरू हो जाएंगी मनुष्यों पर। इसलिए यीशु के साथ जरूर चले जाना। इसलिए यीशु ने कहा था, भाई भाई को मारेगा, पिता पुत्र को मारेगा, इसलिए जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, ताकि आप यीशु मसीह के साथ स्वर्ग जरूर चले जाओ, वरना परमेश्वर इस धरती को नाश करने वाला है। अफरा तफरी मची होगी उस समय, हर घर में रोना चिल्लाना होगा, तबाही मची होगी। एक दूसरे को लोग काटना मारना गाड़ना शुरू कर देंगे, आपस में ही मारना काटना शुरू कर देंगे। मैं आपको कोई कहानी नहीं सुना रहा हूँ, जो होगा और जो होने वाला है वही बताया जा रहा है। बाइबल गवाह इस बात की, यहाँ भी लोग तड़पाए जाएंगे और फिर उसको
और फिर उसको परमेश्वर नरक में डालेगा अनंत काल के लिए, युगान युग के लिए, जहाँ किया कभी नहीं बुझती है, जहाँ के कीड़े कभी नहीं मरते हैं। इतना तड़पाएगा परमेश्वर, उसने अपने हाथों में पैरों में कीड़े ठुकवाए, उसने अपना कीमती रक्त बहाया। अगर आप परमेश्वर का लहू व्यर्थ करोगे तो परमेश्वर आपको नष्ट करेगा, परमेश्वर अपना बदला लेगा। जो लोग यहाँ पर रह जाएंगे यीशु के साथ स्वर्ग नहीं जा पाएंगे, वे लोग बिन चरवाहों के भेड़े बन जाएंगे। उस समय ये अचानक होगा, किसी ना किसी घर में रोना चिल्लाना होगा, क्योंकि उस समय किसी की माँ बहन गायब हो जाएगी रैप्चर में। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि आगे हम क्या करें और आगे क्या होने वाला है। अगर समय रहते हुए यीशु के पास नहीं आए तो आपको बाद में पश्चाताप करने का अवसर नहीं दिया जाएगा। इसलिए समय रहते हुए यीशु से माफ़ी मांग लो, परमेश्वर आपको माफ़ कर देगा। आशा करते हैं छोटा सा संदेश आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को अपने मसीह भाई बहनों के पास दबा के शेयर करें। आप सभी को जय मसीह की।